छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पर अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अनु प्रसाद के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे छात्रों का कहना है कि हाईकोर्ट का हवाला देकर विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव को टाल रहा है। छात्रों ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि वो अपनी जिद छोड़ें और छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अनु प्रसाद ने कहा, हमने पर्चा दाखिल किया है, शासन चुनाव कराया जाए। मेरा नाम अनु प्रसाद है, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध छात्रा हूं और समाजवादी छात्र सभा से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूं। हम सब आज यहां पे विश्वविद्यालय प्रशासन पे धरने बैठे हैं और हमारी एक ही मांग है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की तिथि हमें दी जाए, क्योंकि अब तक लगातार गोरखपुर विश्वविद्यालय हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कि हाईकोर्ट जो भी फैसला करेगा हम उसके पक्ष में जाएंगे, और आज तो हाईकोर्ट ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांग लिया कि वो चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते हैं, और वो स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट को जवाब दे कि वो चुनाव की जो ना कराने की वजह है वो बताएं, और अगर कराना चाहते हैं तो वो तारीख दें। इसका मतलब है पूरी तरीके से यही है कि अब तक गोरखपुर विश्वविद्यालय जो छात्र संघ चुनाव को स्थगित किए वो अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं ला पाए जिससे कि छात्र संघ चुनाव को बंद किया जाए। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से एक ही बात कहती हूँ कि अपने जिद को छोड़े और सही चीज़ को स्वीकार करें और छात्र संघ चुनाव की हमें तारीख दें।